नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी चीज़ें देखे थे कि ज्वालामुखी कैसे विस्फोट करती है। यदि वो रिसाव के द्वारा बाहर निकलती है तो उसका दरारी उद्गार कैसे होता है। जब ज्वालामुखी धीरे धीरे निकल के जब एक लेयर बनाती है तो किस ट्रैप का निर्माण होता है। और जब ज्वालामुखी एकाएक ऊपर उठ जाए और जब धरती फाड़ के ऊपर उठ जाए तो वो कितने टैप्स का होता है, उसमें कब जाके क्रेटर बनता है, कब कालडेरा बनता है, इन सब बातों को हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। आज हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो विस्फोट होती है ज्वालामुखी का, जो केंद्रीय विस्फोट होती है, तो सेंट्रल विस्फोट जब भी होती है ना, तो वो बहुत प्रेशर के साथ ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद जब उसका जो मैग्मा है वो जब ठंडा होकर धरती के एरिया पे गिरती है, जब लावा बनके जिस शेप का निर्माण करती है उसको फिर अलग अलग चट्टान के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कल के वीडियो में देखे थे, जो ट्रैप होती है वो दक्कन का जो ट्रैप बनता है, भारत में जो दक्कन का जो पठार है वो पठार दक्कन का कैसे बनता है, वो जब रिसाव के द्वारा लेयर बाय लेयर क्या होती है, उसका जो लावा है वो धरती पे फैल जाती है और जब वो ठंडा हो जाती है तो वो एक बहुत मजबूत चट्टान बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, दक्कन का ट्रैप या दक्कन का पठार कहा जाता है। बहुत ही मजबूत होती है, उसी के ऊपर तो काली मिट्टी का जमाव हो जाता है, जो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। आज देखिए हम लोग क्या नया जानने वाले हैं। ये जो केंद्रीय विस्फोट होती है, सपोज करेंगे ये हमारा ज्वालामुखी है और ये हमारी अर्थ है, और यहाँ से जब ये विस्फोट होती है तो केंद्रीय विस्फोट के बाद ये जब लावा जहाँ बनके गिरेगी वहाँ पर जिस शेप का निर्माण करेगी, मतलब जिस चट्टान का निर्माण करेगी, यहाँ पर एक डायोराइट चट्टान का निर्माण करेगी, इसके बाद इंडेसाइट का निर्माण करेगी, ठीक है। अब ग्रेनाइट या रायोलाइट का भी निर्माण केंद्रीय विस्फोट के कारण ही होता है। देख लीजिए, केंद्रीय विस्फोट जब भी होगा तो उसके लावा के द्वारा इन सब निर्माण आकृतियों का निर्माण होता है, जिसको क्या कहा जाता है, डायोलाइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट और रायोलाइट। ये सब जो होती है चट्टान, ये केंद्रीय विस्फोट के कारण बनती है। अच्छा, आपको पता है केंद्रीय विस्फोट जो बनती है ना, तो इसका जो मैग्मा होता है, इसका जो मैग्मा होता है, जो तरल पदार्थ बाहर आता है, वो केंद्रीय विस्फोट का जो मैग्मा होता है ना, वो अपेक्षाकृत गाढ़ा मैग्मा होता है। आप याद रखिएगा इस बात को। वैसे समझ लीजिए कि गाढ़ा क्यों होता है, ये जो गाढ़ा मैग्मा होती है, पहले इस बात को ध्यान देंगे कि ये जो मैग्मा होती है ना केंद्रीय विस्फोट में, ये गाढ़ा मैग्मा होती है और गाढ़ा मैग्मा के कारण ही ये सब चट्टान का निर्माण होता है। यही बात कर ले, इसका जो मैग्मा होता है दरारी उद्गार का, ये तरल मैग्मा होता है, अपेक्षाकृत कम गाढ़ा होता है। तो जो तरल मैग्मा होता है ना, ये इससे थोड़ा पतला टाइप का रहेगा, ये गाढ़ा मैग्मा है और गाढ़ा के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे विस्फोट होता है। अब सपोज कीजिए आप एक दूध का थैली ले लीजिए, उसमें एक सुई से पिन से अच्छेद कर दीजिए। अब जब पिन मार के उसको जब प्रेशर से दबाएंगे तो जितना भी दूध बाहर निकलेगा ना, वो सब एक धार में निकलेगा, ठीक है। लेकिन यदि बात कर लें, दही का पैकेट ले लें और एक यदि होल कर दें सुई के पिन से, उसके बाद जब उसको प्रेशर से दबाएंगे तो क्या होगा, दही एक बार में बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब निकलेगा तो एकदम प्रेशर से धक्का मार के दरार विस्फोट कर देगा वहाँ पर, उसके होल को बहुत बड़ा कर देगा और तब जाके वो क्या करेगा, प्रेशर के साथ बाहर आएगा और पूरा एकदम ऐसा लगेगा कि दरार कर दिया प्लास्टिक में, और एकाएक बाहर आएगा, फिर हो सके तो रुक भी जाएगा। तो यही चीज़ें होती है यहाँ पे, जो केंद्रीय विस्फोट होता है। अब मैग्मा यहाँ का गाढ़ा है, जब गाढ़ा मैग्मा रहेगा तो विस्फोट ही होगा ना, वो रिसाव करके आराम से तो बाहर आएगा नहीं, तो इसीलिए गाढ़ा मैग्मा के कारण केंद्रीय विस्फोट होता है। और विस्फोट के कारण जब स्थलाकृति का निर्माण होता है, जब लावा ठंडा हो जाता है, तो ये सब चट्टान वहाँ पर बनता है, ठीक है। अब देखिए, जो सिलिका का परसेंटाइल होता है, वो सिलिका का परसेंटाइल यदि हम केंद्रीय विस्फोट में देखें या दरारी विस्फोट में देखें, तो जो हमारी सिलिका होती है वो गाढ़ा मैग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा मैग्मा होगा उसमें उसकी सिलिका की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो गाढ़ा मैग्मा है, तो इसका मतलब इसमें जितने भी चट्टान है, ये सब चट्टान में सिलिका की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कम किस में होगी, अपेक्षाकृत इसमें कम होगी। जब जो मैग्मा है वो पतला होते जाएगा तो सिलिका का मात्रा भी उसमें पतला होते चला जाएगा, ठीक है। तो केंद्रीय विस्फोट के कारण हम लोगों ने इस बात को देखा। जो दरारी उद्गार होती है, ये सपोज करेंगे जो ज्वालामुखी है, ये दरारी उद्गार के कारण हो रही है। तो दरारी उद्गार में तो रिसाव होता है ना, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कल के क्लास में, जो रिसाव होता है इसके बाद यहाँ पर जो ट्रैप का निर्माण होता है, जिसे दक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। अब यही जो लावा होती है ना,
वो लावा यहाँ पे दरार के रूप में बनके और यहाँ पे लेयर बाय लेयर बनते चली जाती है। अब यहाँ का लावा भी दो लेयर में बनेगा, होगा ना, एक तो बहुत मोटा लेयर और एक पतला लेयर, ठीक है। तो जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मोटा होगा उसको हम लोग कहेंगे लावा पठार, और यदि इसका जो पतला रूप बनेगा जहाँ पे पतली लेयर एक बिछ जाएगी चादर के जैसे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लावा मैदान। अब जैसे सपोज कीजिए हम लोगों का जो छत की ढलाई होता है वो छत लगभग इतना मोटा रहता है, 10 इंच का रहता है, कहीं कहीं पे 5, 6, 7 इंच का रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर सीमेंट का घोल दिया जाता है तो वो सीमेंट का घोल क्या होता है, बहुत पतला रहता है ना, जब उसके ऊपर सीमेंट का लेप दिया जाता है छत के ऊपर, तो वो जो पतली लेयर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लावा मैदान। मतलब लावा का जब मोटा रूप रहेगा ना, मोटा रूप, कल हम मोटाई के बारे में बात किए थे आपसे, 500 मीटर भी रहती है, 1500 मीटर भी रहती है, और लावा की मोटाई 3 किलोमीटर तक भी रहती है। वही बात कर ले यदि लावा के मैदान का, तो ये अपेक्षाकृत पतली होती है। तो जब लावा का लेयर मोटा रहे तो लावा पठार का निर्माण होगा, और जब लावा का मोटाई कम रहे तो लावा मैदान का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे दक्कन का जो पठार है अपना भारत में वो बहुत मोटी है, मोटी लेयर के कारण वो क्या हो जाएगा, लावा का पठार है, वहां पे मैदान नहीं है। मैदान की बात करें तो यूएसए में एक स्नेक रिवर प्लेन है, और ये जो प्लेन है ना, ये स्नेक रिवर प्लेन लावा का मैदान का उदाहरण है, ठीक है। अब इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। देखिए जो गाढ़ा लावा होती है, गाढ़ा लावा क्या होती है, हमेशा विस्फोट होगा क्योंकि गाढ़ा है, और तरल लावा में क्या होगा, एक रिसाव होगा, दरारी उद्गार होता है यहाँ पे। तो जब दरार के कारण उद्गार होती है तरल लावा में, प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति गाढ़ा लेयर की अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो देखिए जो गाढ़ा लेयर है ना, जो विस्फोट के कारण होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होता है। वही बात कर ले यदि तरल लावा का, जो तरल मैग्मा होता है जिसके कारण पठार का निर्माण होता है, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, तरल मैग्मा क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, तरल मैग्मा की बात कर ले तो यहाँ पे कौन सा चट्टान का निर्माण होगा, जैसे केंद्रीय में बात कर ले तो हम डायोडाइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट और रायोलाइट का निर्माण होता है। यहीं पे बात कर ले यदि हम तरल मैग्मा के कारण जो दरारी उद्गार होता है, जिसमें लेयर दर लेयर करके लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण होता है, इसमें यदि हम बात करें कि कौन सा चट्टान का निर्माण होगा, जो चट्टान का निर्माण होगा दोस्तों, इसमें बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। अच्छा, और पता है इस ज्वालामुखी की क्रिया में कभी कभी इसके अंदर से मैग्मा नहीं निकलता है, बल्कि फुहारा के साथ गर्म जल बाहर निकलता है। मतलब जैसे कि कितना देखने में मजा आएगा ना, जब उसके अंदर से कोई आग वाग नहीं निकलेगा और केवल गर्म जल का फुहारा निकलेगा। तो दोस्तों जब ऐसी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी के उस क्रिया को, जहां पे गर्म जल का रिसाव होता है फुहारा के साथ में, उसको गीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीजर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कहां पे गीजर निकलती है, तो येलोस्टोन का नाम सुने होंगे, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो ये पार्क यूएसए में पड़ता है, और इसी यूएसए के इसी पार्क में एक ओल्ड फेथफुल गीजर है, और इसी गीजर से गर्म जल का फुहारा निकलता है, ओल्ड फेथफुल गीजर। ये कहाँ पे है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, और यहाँ पे जो गीजर का उदाहरण बहुत अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ पे गर्म जल का फुहारा निकलता है, ना कि वहाँ से कोई मैग्मा निकलती है। तो ज्वालामुखी के बारे में जितने भी टॉप टॉप हेडलाइंस बनते थे हमने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आया हो हमारा यह प्रयास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।